सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत कार्यक्रम में देखने वाले सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु का आशीर्वाद रहे, यीशु का आशीष आप पर रहे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है हर समय प्रभु को धन्यवाद दो। परमेश्वर का वचन में लिखा है हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये धन्यवाद देने की हम देख धन्यवाद देने का बहुत महत्वपूर्ण हम देख उसका महत्व क्या है। प्यारे भाई और बहनों, संकट में भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हर समय हम ईश्वर को स्तुति आराधना कर सकते हैं। हम देखते हैं माता मरियम के जिंदगी में, जब गैब्रियल फरिश्ते ने आकर उस माता मरियम को संदेश दिया कि माता मरिया तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली है, तुमने उसे ईसाकर के नाम रखना है। उस समय माता मरियम ने ईश्वर के संदेश को हृदयपूर्वक स्वीकार किया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, उन दिनों के समय पर अगर कोई भी एक व्यक्ति बिना शादी के अगर गर्भवती होती है, उस महिला या व्यक्ति को लोग पत्थर से मारकर उसको जान निकाल देते थे। तो यहाँ हम देखते हैं माता मरियम ने ईश्वर के वचनों को स्वीकार किया और वो माता ईश्वर की बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हुई। वो कभी डरी नहीं। वो कहती है, हम पढ़ते लुकास शुभ समाचार अध्याय एक में वचन 40 पढ़ते हैं कि वो कहती है मेरी आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देती है। सुनिए उस माता मरियम को आने वाले कल क्या होने वाला है, उसको पता था। लोग मुझे जानेंगे मैं गर्भवती हूँ, मेरा शादी अभी तक हुई नहीं है, आज से पहले गर्भवती हो चुकी हूँ, तो लोग मुझे क्या करेंगे। फिर भी माता मरियम ने ईश्वर को हृदयपूर्वक धन्यवाद दिया। वो कभी डरी नहीं, वो कभी रोई नहीं, वो कभी हरी नहीं, वो कभी हम देखते हैं माता मरियम लाइफ में वो हमेशा हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देती चलती थी। प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम को मालूम था मेरा आने वाले कल मेरे माता पिता को भी कोई भी समस्या आने वाली है, मेरे परिवार को भी समस्या आने वाली है, मेरे जान में लोगों को समस्या आने वाली है, ये लेकिन ये सब समस्या वो जानकर भी माता मरियम ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। संत पौलुस ने भी हमें यही सिखाया। प्यारे भाई और बहनों, हर समय आप प्रभु को धन्यवाद दो। जानते हो क्यों? क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने अमर जीवन में जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। जो पापों के दलदल में हम फंस चुके थे, हमें कोई भी बचाना नहीं सकता था, जो इंसान को नामुमकिन था वो ईश्वर ने करके दिखाया। अपने पुत्र को बेचा, अपने लहू से उसने हमारे सारे पापों को शुद्ध की, हमारे पापों के दलदल से हमें ऊपर लाया। तो हम अभी दुनिया का किसी संकट या समस्याओं को हमें कोई भी डरना जरूरी नहीं है। दुनिया का कोई भी दुख या संकट को या बीमारियों को या कोई भी असंभव बातों को हमें किसी को भी डरना नहीं है, क्योंकि जो असंभव को संभव करने वाला ईश्वर हमारे साथ है। माता मरियम जानती थी ये संकट में मैं हूँ,
मगर मैं ईश्वर के आज्ञा को पालती हूँ, उसके वचन चलती हूँ, वो ईश्वर मुझे सारे संकटों से बचाएगा। और वैसा ही हुआ। माता मरियम के साथ कोई बुराई नहीं हुआ, सब अच्छे से हुआ, जो कुछ होना था सही हुआ, उधर कोई भी कुट वहाँ पर नहीं आई। हमारे साथ भी यही होगा जब हम ईश्वर के साथ चलते हैं। एक बार हमने पापों को छोड़ दिया, यानी दुनिया को छोड़ा, पाप को छोड़ा माने हमने दुनिया को छोड़ा, ईश्वर के मार्ग पर चले, हम पवित्र बन गए। आने वाले का हमारे साथ जो कुछ होता है ईश्वर का जानकारी से होता है। सामात्यू कहता है अपने लोगों से, तुम्हारे सर के बाल भी गिन के रखे हैं। यीशु ने कहा मात्यू, यीशु ने कहा हमें, तुम्हारे सर के बाल भी गिन के रखे हैं। यीशु कहता है कि एक चिड़िया है चिमनी, ईश्वर की आज्ञा के बिना धरती पर नहीं गिरता। तो हमारे सर के बाल भी गिनने रखने वाले ईश्वर अगर हमारे साथ है तो प्यारे भाई और बहनों हमें किसकी चिंता है। संत पौलुस कहता है कि हर समय, उसने समय उसने बताया नहीं, सुबह शाम दोपहर या रात, उसने कहा हर समय 24 घंटा कभी भी हर समय प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे और तुम्हारी बातों को ईश्वर को बताए, तुम्हारे जरूरतों को ईश्वर को समझाए। प्यारे भाई और बहनों, क्या हमारी जरूरत ईश्वर को नहीं मालूम है? तो संत पौलुस क्यों कहता है कि तुम तुम्हारी जरूरतों को ईश्वर को बताओ, क्यों? प्यारे भाई और बहनों, ये ईश्वर का प्यार है हमें, ताकि हम उससे बात कर सके। प्रभु ये मुझे इसका मतलब है, हम ईश्वर से बात करें, वो ईश्वर की इच्छा है। क्या आपका बच्चा या आपका बेटा आपसे बात करने को तड़पता है तो आपको कैसा लगता है? या आपका बेटा अगर आपके पास नहीं आया एक दिन, आपको कैसा? उसी प्रकार ईश्वर भी हम चाहता है कि हम उससे बात करें, हम उससे पूछें, हम उससे मांगे, हे पिता हे प्रभु मुझे दे, वो देने में खुश हो जाता है। जानते हो प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा जब वो कलवारी क्रूस पर था और वो हमें और आपको देख रहा था और हमारी आने वाली कल की खुशियों को देखकर वो क्रूस पर खुश हो रहा था, ये जानते हैं आप? जब यीशु कलवारी क्रूस पर थे, वो सारे दुखों में वो घेर चुके थे, शरीर से लहू बह के, शरीर में कुछ लहू नहीं था, चारों ओर से घाव से लहू से उसका शरीर एकदम चीर चीर हुआ था, तो भी वहां पर यीशु अपने मन में हमारा कल के भविष्य को देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि वो जानता था ये मेरे दुख में मेरा बच्चा आने वाले कल खुश होगा, वो उसकी खुशी थी। तब यीशु एक बड़े पापी को जब क्षमा करता है, उसको लगता है हो कितना बड़ा पापी को क्षमा कर, उसको खुश होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, तो याद रखिए, आप दुखी है निराश मत हो जाइएगा, ये तात्कालिक है, ये दुख हमारे साथ के साथ नहीं। परमेश्वर कहता है अगर दुख रात को आ जाएगा तो सुबह हमारे साथ शांति मिल जाएगी। दुख रात को आएगा आपके पास, पर सुबह आपके खुशी मिलेगी। परमेश्वर कहता है तुम रोते रोते बोने के लिए जाओगे, पर खुशी से तुम फसल काटोगे। यीशु ने कहा तुम लोग रोते रोते बीज लेकर खेतों में बोझने के लिए जाओगे, पर आसास के उसके फसलों को काटोगे। यही है हमारे साथ होगा। दुख है तात्कालिक, हम पाप के दलदल में से ईश्वर ने हमें बचाया, अब पाप में हम नहीं है, हमारा जीवन ये परिपूर्ण हो चुका है प्रभु के द्वारा। हर समय हर पल ईश्वर हमसे यही चाहता है कि तुम ईश्वर को धन्यवाद दो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, सुबह शाम रात और दिन। उसने कभी निर्धार नहीं किया, कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी, ताकि ईश्वर हमारे साथ रहे, हमारी हर जरूरतों को वो पूरा करे, हमारे हर मांग को, हम हर मांग को ईश्वर हमें पूरी करे। परमेश्वर हमारे उसके भंडार से, उसके महिमा हमारे भंडार से, हमारे जीवन के हर जरूरतों को उसके समय पर वो पूरा करेंगे। आप चिंतित ना हो जाइए प्यारे भाई और बहनों, चिंता इस दुनिया में स्वाभाविक है। प्रभु यीशु ने कहा जब तक दुनिया में हो चिंता तुम्हें रहेगी, पर तुम चिंतित ना हो क्योंकि मैं चिंता से विजय पा चुका हूँ। दुनिया से मैंने तुमको अलग किया हूँ, तुम मेरे हो, तुम्हारे ज़रूरतें मुझे पता है, मेरे पास आ, मुझसे मांगो, मुझे धन्यवाद दो, ऐसा ईश्वर कहता है। हमारा वो सृष्टिकर्ता है, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारा ये दान उसका ये दान है, ये हमारे शरीर के अवयव उसका दान है, हमारा जीवित है उसका एक कृपा है, तो उसको हर समय मेरे प्यारे भाई और बहनों धन्यवाद दीजिए। एक बात ध्यान रखना है, हम हमारे
लोग नहीं है। हमारे ऊपर हमें आपको अधिकार नहीं है, वो अधिकार ईश्वर को है कि हमारा शरीर है उसका पवित्र आत्मा का मंदिर, इस मंदिर में हम उसको हर समय धन्यवाद करें। संत पौलुस कहता है, प्यारे भाई और बहनों, तुम तुम्हारे शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमा करो, शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमा करो, इस दुनिया की महिमा करो नहीं है। शरीर के द्वारा हमें ईश्वर की महिमा को प्रकट करना है, शरीर के द्वारा ईश्वर को, ईश्वर के प्यार को हमें दुनिया में बांटना है ताकि हमारे द्वारा ईश्वर महिमामित हो जाए। परमेश्वर क्या, परमेश्वर कहता है, यीशु ने प्रार्थना किया, हे पिता तुम्हारा नाम को महिमा मिले, महिमामित हो जाए। स्वर्ग से पिता ने कहा, उस नाम को मैंने महिमावित किया है, मैं दोबारा ही करूँगा। तो परमेश्वर दोबारा हमारे साथ हमारे उसके नाम को हमारे द्वारा महिमावित करना चाहता है, क्योंकि हमें उसने अपने पवित्र लहू से खरीदा है ताकि हम बने पवित्र आत्मा के मंदिर। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस कहता है, तुम कुछ भी करे तो ईश्वर को से महिमा मिले, तुम कुछ भी करे ईश्वर को से महिमा मिले। चाहिए आप कुछ भी करें, उसमें ईश्वर को महिमा मिलना जरूरी है। अगर जो भी करते हो अगर उसमें ईश्वर को महिमा नहीं मिलता है, तुम्हारे उस काम में वो निष्फल होगा, उसमें कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। अगर जो काम आप करते हो उस कामों में अगर ईश्वर को महिमा मिलती है, उसमें आपको लाभ होगा, उसमें आपको नया उम्मीद होगी, नया आशा होगा, तुम्हारे जीवन में प्यार आपको भरेंगे। प्यारे आए बहनों, आइए हम पिता परमेश्वर को आराधना करें, उसकी महिमा करें।
और बहनों, क्या हम और आप परमेश्वर को महिमा करते हैं? रविवार को चर्च में जाएंगे, प्रार्थनाएं भाग लेंगे, दुनिया में आएंगे, फिर वही करेंगे जो पहला था। शनिवार को चर्च में जाएंगे, 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, आएंगे, फिर वैसे ही करेंगे? नहीं। तो प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस कहता है, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दो। दाविद राजा ने कहा, जब बिस्तर में मैं सोता हूँ तो मेरी आत्मा तुम्हारे लिए महिमा गाती है, जब बिस्तर में जो सो जाता हूँ नींद में भी मैं तुम्हारी महिमा गाता हूँ, जब मैं चलता हूँ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, रास्ते में जाता हूँ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो याद रखिए, सबसे बड़ी, सबसे दाविद राजा की जिंदगी, वो कहता है जब नींद में रहता हूँ तो भी मैं आपका ध्यान करता हूँ। सोचिए दाविद राजा कितने ईश्वर करीब था, और वो दाविद राजा हर समय अपने जीवन में कामयाबी से भर गया था। उसको किधर भी सुख दुख नहीं मिला, हर समय वो जीत का रहा, क्योंकि हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता था। जिस प्रकार माता मरियम ने सारे आने वाले कल के संकट को, अंकल होने वाले सब जानते हुए भी उसने परमेश्वर को महिमा किया। वो कहता है, मेरी आत्मा प्रभु पर तरस खाती है, उस परमेश्वर ने मेरे साथ बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, उस परमेश्वर को मेरी माँ आत्मा गान गीत गाती है। तो आपका आत्मा में हर समय परमेश्वर को गान गीत गाते हुए उसकी महिमा करें। चाहे वो चलते हो, चाहे वो काम करते हो, या प्रवास करते हो, किधर भी कहीं भी हर समय ईश्वर को महिमा देना मत भूले। हर समय ईश्वर को महिमा देते रहे, ताकि ईश्वर का संरक्षण, ईश्वर का जो आपका चारों ओर से आपके जिंदगी उसके दूत आपका संरक्षण करे, आपका साथ वो चले। तो प्यारे भाई और बहनों, हृदयपूर्वक प्रभु को धन्यवाद देना, सिर्फ ओंठों से नहीं, मन से नहीं, पर परमहृदय दिल से, मन से और तन से और बुद्धि से भी ईश्वर को महिमा देना है, तो ताकि ईश्वर को उस महिमा पसंद हो जाए और वो हमें आशीर्वाद दे। तो आइए इस प्यार भरे ईश्वर से हम एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र लहू से आप हमें धोकर शुद्ध करो। जिस प्रकार माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, उसी प्रकार आप भी हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। हर समय संकट और दुख में हम आपकी स्तुति और आराधना करें, ताकि हम आपकी महिमा करें। हम ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। ये सारे कार्य देखने सभी भाई बहनों को प्रभु का आशीर्वाद रहे। आमीन। वो मेरी चट्टान है, मेरा घर।
pray. Set me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay. Set me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay. Set me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay. Set me on the rock to stay. When my life was in a mess and there was no way out, and I cried unto Jesus' name, He gave me a brand new start.